दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सिवा जेस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफिनाइस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 अगस्त सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के शुभ और पावन अवसर पर। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष सब्सक्रिप्शन में रियायत या डिस्काउंट की पेशकश आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है। 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच हमारे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर विशेष छूट या रियायत पेश की जा रही है। देश के कोने कोने से लगातार पूछ परख बढ़ रही है और लगातार हमारा पेड सब्सक्रिप्शन का परिवार बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी विदेशी सब्सक्राइबर्स भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। आप किस बात का देर कर रहे हैं? यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं, मिलर्स हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको कपास, अनाज, तिलहन, दलहन, मसाला, इन सभी की जानकारियाँ मिल सकती है। दोस्तों विशेष रिसर्च किसी भी व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होती है। देश दुनिया की खबर आपको समय पर मिलती है और आप अपना व्यापार नियमों के तहत करते हैं, विशेष रिसर्च का फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों याद कीजिए, खाद्य तेलों में हमारा अग्रिम अनुमान, कपास के अंदर हमारा अग्रिम अनुमान, मसालों के अंदर हमारे लगातार अपडेट और अग्रिम अनुमान, अनाज गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ज्वार, जो इस पे हमारे अपडेट, ये लगातार आपको हम लोग देते हैं। लेकिन सभी जानकारियाँ हमेशा हर समय निःशुल्क देना संभव नहीं है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, रिसर्च टीम को मैनेज करने के लिए सहयोग राशि की आवश्यकता होती है। और दोस्तों मामूली शुल्क पर आपको ये उपलब्ध है, आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ड्राई कोकोनट या खोपरे के बारे में, नारियल के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अगस्त के महीने में राखी, पूर्णिमा, गणेश पूजन जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं और इसमें नारियल और खोपरे की डिमांड में काफ़ी इजाफा होता है और यही वजह है कि खोपरे की मांग निकलने से भाव के अंदर तेजी देखी गई। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या और तेजी आएगी? हमारी गणना ये कहती है कि बहुत अधिक तेजी का अनुमान कम नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो स्टॉकिस्टों के पास, उत्पादकों के पास और नाफेड के पास नारियल का पर्याप्त स्टॉक है और जिससे बिक्री का दबाव बढ़ सकता है। और ये भी कारण है कि पिछले 2-3 सालों से तेजी नहीं आने के कारण किसान, सरकारी एजेंसियां आगामी नए सीजन से पहले ही अपना पूरा माल या कुछ माल निकालने में रुचि रख सकते हैं। भाव जो आप आंध्र प्रदेश के अंबाजी पेट में सप्ताह के दौरान 5 से 6 गाड़ी खोपरे की आवक पर भाव 10,100 से 10,200 रहे। मीडियम क्वालिटी 9,500 से 9,700, एवरेज 8,000 से 8,500 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। पालकोल्लू के में प्रतिदिन 40 से 50 मोटर गाड़ियों नारियल की आवक पर पुराना माल 12,000 से 12,000, मीडियम 10,000, एवरेज 7,500 रुपए, और नया बढ़िया माल नारियल 11,000, मीडियम 9,000, एवरेज 7,000 के भाव पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना स्टेट्स को यहाँ से लदान भी हुआ है, डिस्पैच हुआ है। अब हम चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के टिपटूर में एक सप्ताह के दौरान लगभग 12,000 बोरी की आवक के समाचार मिल रहे हैं। ओरेडेबल 10,100 से 10,500, मीडियम 9,900 से 10,000 और एवरेज 8,500 से 9,000 रुपये के भाव पर व्यापार होने के समाचार हैं। तमिलनाडु के कोठमुड़ी, एलमतुर, पेरुदुरे, बेल्ला कोविल और उसके आसपास की मंडियों में लगभग 10,000 बोरी खोपरे की आवक के समाचार हैं और बढ़िया माल 9,950 से 10,200, मीडियम 8,500 से 9,000 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। कांगेयम में सादा खोपरा 9,675, मेरिको 9,800 से 9,900, स्पेशल 9,900 से 9,550 रुपये बताया जाता है। कालीकट में मिलिंग खोपरा 10,850, दिलपसंद 10,950, राजापुरी 12,050, बाल खोपरा 10,800 और के भाव थे। कोची में खोपरा तेल 16,100,
कांगेयम 14,350 रुपए के पर भाव पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि जिस प्रकार की आवक और स्टॉक की पोजीशन है उसको देखते हुए खोपरे के अंदर मजबूती की संभावना है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी, आगे बहुत बड़ी तेजी की संभावना कम है। दोस्तों, सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी को कभी फायदा होगा नहीं। फायदा तभी है, समय पर माल खरीदें, समय पर माल बेचें। कहा जाता है समय से आप उठें और समय पर आप विश्राम करें, आप हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। आप सुबह 6 बजे के बजाय 10 बजे उठेंगे, रात को 3 बजे सोएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ ख़राब होती है। वही सिस्टम व्यापार में होता है। तेज़ी आने के बाद और सुपर तेज़ी के में माल का खरीदना, उसके बाद समय पर माल नहीं बेच पाना, इंतज़ार करते रहना, आपको नुकसान का सबब हो जाता है। तो दोस्तों, व्यापार और आपकी ज़िंदगी दोनों साथ चलती हैं। आपका अनुशासन, आपका व्यवहार और आपका व्यापार, ये तीनों एक जैसे होते हैं। और जो भी इसमें ध्यान रखते हैं, समझते हैं, अनुशासन का ख्याल रखते हैं, सीमाओं का ख्याल रखते हैं, वो निश्चित रूप से लगातार आगे बढ़ते हैं। गति धीमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो सतत होती है, लगातार होती है, और अपनी मंजिलें वो प्राप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।